Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel and today we are going to cover the first week of February important current affairs of Haryana State. So these current affairs, these issues are very important for your Haryana State Civil Services Examination as well as other allied services uh, of Haryana State. Okay, so let's begin with the session. Uh, the first news is Job res uh, Reservation Law has been implemented in the Haryana State. It is a very डिबेट वाला टॉपिक था जो कोविड के टाइम पे आया था ये इनिशिएटिव लिया गया था डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू अल्टीमेटली दिस लॉ हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सो व्हाट एग्जैक्टली दिस लॉ इज़ देखिए रिसेंटली 75 परसेंट जॉब रिजर्वेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड दिस लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट फ्रॉम फिफ्टींथ जनवरी ओके सो इसके थ्रू क्या होगा जो यूथ होगा हरियाणा का द यूथ ऑफ हरियाणा विल बी गिवन द प्रायरिटी फॉर द जॉब्स इन ऑल द प्राइवेट

देखिए विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर द लैक्स ऑफ यूथ हरियाणा यूथ ओके सो यूथ का एक बहुत बड़ा एक यू नो अपॉर्चुनिटीज जो है वो यूथ को मिले मिलेगी विद दिस लॉ जैसे जैसे ये इंप्लीमेंट और सक्सेसफुली होता रहेगा एक डेडिकेटेड पोर्टल जो है वो भी डेवलप uh, किया गया है विद द हेल्पलाइन नंबर एंड क्रिएटेड बाय द लेबर डिपार्टमेंट इसके रिगार्डिंग में ओके सो कंपनीज दे हैव टू इंडिकेट देयर देयर वैकेंसीज ऑन ऑन दिस पोर्टल कौन से पोर्टल में ये जो डेडिकेटेड पोर्टल है लेबर डिपार्टमेंट ने बनाया है इस पोर्टल के अंदर कंपनीज uh, है जो कैटेगरी बताई हुई है कि प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज जो स्टैब्लिश हुई है स्टेट के अंदर दे हैव टू प्रोवाइड द वैकेंसी लिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल ठीक है जो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम मॉनिटर करती रहेगी कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आ रही है कितना वैकेंसी कोई कंपनी प्रोवाइड करा रही है लिस्ट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 व्हिच प्रोवाइड एक्चुअली व्हिच प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन टू द लोकल यूथ एंड इट एप्लीज टू

ठीक uh, है वेजेस और अदर रेमरेशन वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर पर्सन को भी अप्लाई होंगी टू प्रोवाइड सेवेंटी फाइव परसेंट जॉब रिजर्वेशन फॉर दी हरियाणा यूथ ओके सो ये एक्ट जो है स्पेसिफाई कर दिया है इसने सारे प्रोविजन को रिलेटेड टू द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेवेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन प्रोसेस ओके सो नाउ इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द इम्प्लॉय फॉर ऑल द इम्प्लॉय टू प्रे पे Gross क्या है हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम अंडरस्टैंड सो so, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है सारे एम्प्लॉयज के लिए ठीक है जो पे कर रहे हैं तीस हजार से ज्यादा की सैलरी नहीं पे कर रहे हैं तो उनके लिए जो है उनको Uh, सारे एम्प्लॉयिज़ के बारे में अपने डेजिग्नेटेड एच यू एम पोर्टल के अंदर बताना पड़ेगा वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर रूल्स हैं इसके अंदर रूल्स 2021 ट्वेंटी वन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दे हैव मेड इट मैंडेटरी कि हर प्राइवेट एम्प्लॉयर को स्टेट में जो काम कर रहा है प्राइवेट एम्प्लॉयर उसको क्वार्टरली रिपोर्ट है जो सबमिट करानी पड़ेगी कि, कि कितना आप जो 75 परसेंट का जो रखा हुआ है हमने प्रावधान रिजर्वेशन लॉ बनाया हुआ है कितना आप उसको फॉलो कर पा रहे हो कितना आप उसको यू नो प्रोसेस के अंदर हो प्रोवाइड कराने में और साथ ही साथ जितने भी हैं जितनी भी कंप्लेन जो भी है फॉर एग्जाम्पल फॉर द कैंडिडेट जो एस्पिरे जो जॉब uh, सीकर है उसकी ग्रीफ्रांसेस और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर है कि एम्प्लॉयर को मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है या कुछ स्पेसिफिक उसको थोड़ा बहुत कंसेशन uh, देना है राइट right? So, वो सारी जो चीजें होंगी उन सारी चीजों को मेक uh, श्योर sure किया जाएगा कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसको जो है सॉल्व uh, किया जा सके राइट right? सो so, ये भी मेक श्योर sure किया गया है रिड्रेस दिफ्रांसिस ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स एंड टू प्रोवाइड द रिलैक्सेशन टू द एम्प्लॉयज अंडर द लॉ उस सारी चीजों के लिए एक टाइम लिमिट भी डिसाइड की गई है राइट right? चलिए अब इसके अलावा सो so, Uh, ये जो इशू था कि टू प्रोवाइड द जॉब रिजर्वेशन जॉब जो सीकर्स हैं हरियाणा स्टेट के उनको स्पेसिफिक रिजर्वेशन uh, कर देना इसके बहुत सारा हम लोग बात कर बात कर सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि बेनिफिट्स यही हो सकते हैं कि आप देखिए एक हरियाणा का यूथ है उसको साउथ में नहीं जाना पड़ेगा वो आराम से अपने स्टेट के अंदर uh, अपनी जॉब पा सकता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे हरियाणा यूथ जो है आई बैकग्राउंड वाला वो बैंगलोर में होते हैं वहां पे काम कर रहे होते हैं तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा स्टेट के अंदर ही जॉब जनरेट हो जाएगी दूसरा पॉइंट ये भी रहेगा कि इससे क्या होगा इससे जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है जो अच्छा खासा जो ब्रेन जो बाहर चले जाता है हरियाणा से तो वो रुक सकता है लेकिन इसके अलावा जो चैलेंजेस ये होंगे कि जो कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं उनको जो है ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आपको हरियाणा का जो बंदा है उसी को ही जॉब देनी पड़ेगी तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनके पास लिमिटेड फिर स्किल्स होंगी राइट right? उनके पास ऑप्शंस uh, नहीं होंगे कि वो अगर किसी को हायर करना चाहते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा रिजर्वेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी रादर देन द स्किल और कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन तो कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा प्रोडक्शंस के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर फिर थोड़ा सा पीछे हट जाएगा इन्वेस्टमेंट करने में हरियाणा के अंदर तो ये थोड़े चैलेंजेस हैं और थोड़े बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर लॉ के बट हम लोग बात कर सकते हैं कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में हम लोग बात कर सकते हैं कि इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म मेजर क्योंकि उस टाइम पे 2019-20 की बात है 20 में कोविड चल रहा था तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से डिसीजन लेने की बात की थी तो उस टाइम पे कोविड था और वो हम कह सकते हैं कि कोविड्स को से हमें बचाने के लिए मतलब स्टेट को बचाने के लिए शौक से बचाने के लिए नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रह हो रही थी हरियाणा के अंदर तो उसको एड्रेस करने के लिए ये शॉर्ट टर्म मेजर ठीक है लेकिन इट कैन नॉट बी अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन राइट वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म करने के लिए वी हैव हाँ टू तो ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी हरियाणा की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट मोर नाउ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर वुमेन तो ये एक छोटा सा करंट है न्यूज़ है इसको बात कर लेते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है रेनू भाटिया को जो एन फरीदाबाद से है एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और ये जो अपॉइंट रहेंगी ये रहेंगी तीन साल के लिए ठीक है so, सो रेणु भाटिया जी हैं इनको अपॉइंट कर दिया गया है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के लिए ओके okay, इनसे पहले बात करें तो इनसे पहले प्रीति भारद्वाज थी जिन्होंने वाइस चेयरपर्सन थी वो uh, कमीशन की बट शी वॉज ऑल्सो हैंडलिंग द चार्ज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ वुमेन कमीशन ओके एंड ये सारी चीज़ें uh, सिर्फ पढ़ने के लिए है वॉट इज मोर ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो नेशनल फॉर फॉर है, स्टेट न्यूज़ में ट so, uh, किया गया थर्टी जनवरी को थर्टी जनवरी को थर्टी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया एंड ये किसका सेलिब्रेट किया नेशनल फॉर वुमेन का सेलिब्रेट किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे थोड़ा अपना स्पीच uh, बोली तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वी हैव टू वी हैव टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ एन सी डब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वेमेन बिकॉज अभी जो है वेमेन्स की जो वुमेन की जो नीड है वो काफ़ी ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग चेंजेस आते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस होते जा रहे हैं सो so, हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ एन सी डब्ल्यू मस्ट बी ब्रॉडन ओके okay, चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द नीड टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द एनसी ठीक है जरूरत क्या है एनसीडब्ल्यू के स्कोप को एक्सपैंड करने की सबसे बड़ा पॉइंट आता है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है न्यू uh, इंडिया का उसके अंदर जो है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन चल रही है वो कैंपेन का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान ना आत्मनिर्भर भारत अभियान So, ये जो अभियान है इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है अगर ये कॉम्बिनेशन या ये जिसे कहते हैं कि लिंक ये देखा गया है कि जो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री है वो काफी ज्यादा जुड़ी हुई है डेवलपमेंट या इंप्रूविंग एबिलिटी ऑफ अ वेमेन राइट अगर वेमेन जो है प्रोग्रेसिव स्टेट के अंदर है है ना प्रोग्रेसिव स्टेटस है उनका तो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री भी उसी के साथ हो रहा है राइट ये देखा गया है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के द्वारा बिकॉज यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप सभी को पता होगा पी मुद्रा योजना ये मुद्रा योजना के अंदर जो लोन्स दिए गए हैं या बेनिफिशियरी हैं लोन के वो सेवेंटी परसेंट जो है वो कौन है वेमेन है ठीक है सत्तर फीमेल है अब लोन तो दिया इसीलिए जाता है क्योंकि कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करेगा कोई ना कोई अपना काम शुरू करेगा इसीलिए लोन दिया जा रहा है राइट अब इसके अलावा मैं बात करूं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका गवर्नमेंट बहुत एम्फोसाइज करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इंडिया में जितने भी एक्टिव हैं यहां पे आप देखोगे तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इन एस एच जी के अंदर वो है फीमेल्स की ठीक है सो यू कैन सिंपली से कि इन लास्ट सिक्स टू सेवन इयर्स फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज है, हुए हैं ओके ओके सो इसके अलावा हम लोग बात करें कि अगर uh, 60,000 जो है मोर देन 60,000 स्टार्टअप्स मोर देन 60,000 स्टार्टअप्स हैव एमर्ज्ड आफ्टर 2016 एंड 45 परसेंट उन 60,000 स्टार्टअप्स में किसका कंट्रीब्यूशन है वन वुमेन डायरेक्टर तो आपको इन डेटा से समझ आ रहा है कि अब फीमेल जो है वो उस स्टेट में आ चुकी हैं जहाँ पे वो डिसीजन मेकर हैं जहाँ पे वो एक स्टार्टअप की डायरेक्टर भी हैं और एसजीएच में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिख रहा है तो उन Uh, उनकी जो पार्टिसिपेशन है उससे क्या होगा बहुत सारे कंप्लेन भी आती है भी आते हैं तो वैसे वैसे क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं राइट क्राइम्स अगेन वुमेन राइट तो उसको भी एड्रेस करना इज द नीड ऑफ एन आर और एड्रेस करने के लिए इसीलिए हमें एनसीडब्ल्यू का स्कोप भी ब्रॉडन अप करना पड़ेगा अंडरस्टैंड तो ये एक चीज है इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो मैंने अभी आपको बता दिया कि एन के डेटा के, के हिसाब से जो 2021 का डेटा है वो ये कहता है कि देर हैज बीन अ राइज ऑफ सेवन फोर्टी सिक्स परसेंट इन द कंप्लेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द फर्स्ट एट मंथ ऑफ 2021 ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रसिडिंग ईयर और ये जो क्राइम है दे आर लाइक द डोमेस्टिक वायलेंस हो गया हरासमेंट ऑफ मैरिड वुमेन हो गया देन डाउरी हरासमेंट हो गया सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो गया रेप एंड टू रेप एंड साइबर क्राइम्स तो इस इन इन कैटेगरीज uh, में ये क्राइम्स आ रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट राइट चलिए अब वॉट इज रिक्वायर्ड वॉट इज रिक्वायर्ड नीड ऑफ एन आर इज द होलिस्टिक effort. ऐसा नहीं है कि हाँ crime against वुमेन हो रहा है तो वो resolve कहाँ पर होगा Ultimately court of law के अंदर ही resolve होगा नहीं ऐसा नहीं है एक holistic approach लेने की जरूरत है और changing जो आ रहे हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है जैसे जैसे आ, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से हमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आना पड़ेगा दे हैव टू एक्ट टुगेदर इंक्लूडिंग द लॉ मेकर्स पुलिस ऑफिसर्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूटर्स जुडिश्री मेडिकल एज वेल एज द हेल्थ डिपार्टमेंट एन जी ओज रिहेबिलिटेशन सेंटर इन ऑर्डर टू फ्रेम अ पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू एड्रेस द इशू कि ये फीमेल को uh, भागीदारी भी बनाया जाए भागीदार भी बनाया जाए उनको और ज्यादा पुश किया जाए ताकि वो कॉन्ट्रीब्यूट करें द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री साथ ही साथ उनकी जो जो दूसरी वो वगैरह है उनको भी एड्रेस किया जाए यहां पे हमारे पास आंसर आता है टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ एनसीड्ल्यू राइट चलिए नेक्स्ट इज एक छोटा सा करंट अफेयर है उन्नति हुडना जो है फ्रॉम हरियाणा शी सुपर हंड्रेड टूर्नामेंट सुपर हंड्रेड टूर्नामेंट है चौदह साल की ये है ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं शी बिकेम द दंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू विन द सुपर हंड्रेड टूर्नामेंट कैसे इन्होंने जीता है विमेन uh, सिंगल्स के अंदर जीता है उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट राइट सो इनका नाम जरूर याद रखिएगा ये कुछ भी जैसे करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं स्टेट के प्रिलिम्स uh, में भी आ सकते हैं और स्टेट के जो अलाइड एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी मिल सकता है ऐसा सवाल ठीक है अब ये जो उड़ीसा ओपन है उड़ीसा ओपन है इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू बी डब्ल्यू एफ सुपर हंड्रेड टूर्नामेंट बी डब्ल्यू एफ का मतलब क्या होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उसी टूर्नामेंट का एक हिस्सा है उड़ीसा ओपन ठीक है और ये जो उड़ीसा ओपन है ये कहाँ पे हुआ इस साल 2022 का उड़ीसा ओपन हुआ है Uh, जवाहर जवाहरलाल नेहरू इंडोर इंदो, स्टेडियम इन कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है सो इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा राइट right? और इसमें जो प्राइज मनी होती है दैट इज द टोटल प्राइस पूल ऑफ यूएस डॉलर सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ओके okay? क्लियर हो गया ओके okay. नाउ ये इन्वायरमेंट का एक इशू है पॉइंट है लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बना है गुरुगांव गुरुग्राम हरियाणा में राइट सो नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन गुरुग्राम हरियाणा तो ये एक सिंपल एक सा सवाल बन सकता है आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा एंड पहले जो था ये जो रिकग्नाइजेशन uh, थी कि कंट्री का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है इट इज इट वॉज लोकेटेड इन नवी मुंबई बट नाउ इट इज इन गुरुग्राम हरियाणा ठीक है सो ये जो स्मार्ट टीवी चार्जिंग स्टेशन है इसमें सौ चार्जिंग पॉइंट्स है ठीक है और ये जो पूरा चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है इट कम्स अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाइलट प्रोग्राम के अंदर ठीक है तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड

एंड ये पूरा सेलिब्रेशन किया जाएगा गया है इन दी एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव जहाँ पे 61 में से दो बच्चे जो हैं दे कम फ्रॉम हरियाणा स्टेट दे कम फ्रॉम हरियाणा स्टेट तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा अब ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पुरस्कार है या इसे नेशनल चाइल्ड अवार्ड भी कहा जाता है ये हर साल जो है अवॉर्डी जो होते हैं इस प्राइज के अवॉर्डी दे पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड ऑल्सो और हर अवॉर्डी कैश प्राइज ऑफ वन अ सर्टिफिकेट अब दो बच्चे जो हरियाणा स्टेट के हैं उनको ऑनर किया गया है और उनका नाम है तनिष सेठी जो कि इनोवेशन के लिए है एंड आकाश कौशल जो सोशल सर्विस के लिए ऑनर किया गया है 2022 के लिए अंडरस्टैंड चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक जबरदस्त इनोवेशन की इसमें क्या किया गया है दैट फाउंडेशन स्टोन जो है री सर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम उसका रखा गया है फाउंडेशन स्टोन और ऑन दी ओकेजन ऑफ दिस दैट इज फिफ्टी थर्ड फाउंडेशन डे जो हुआ है सेलिब्रेट किसका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का ठीक है जो कि हिसार के अंदर है तो यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के जिनका नाम है बी आर कंबोज इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का अब इस टेक्निक के थ्रू क्या होगा कि मोर प्रोडक्शन जो है कैन बी अचीव्ड इन लेस एरिया टू प्रमोट फिश फार्मिंग इन द कंट्री टू प्रमोट द फिश फार्मिंग इन द कंट्री चलो पढ़ेंगे इसके बारे में री सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम होता गया है बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं तो ये जो फाउंड ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को आर भी कहा जाता है एंड इट इज अ टेक्नोलॉजी इसमें क्या होगा आप वाटर जो है जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको बायोफिल्टर कर करके उसको दोबारा से यूज कर सकते हो दैट इज सिंपल दिस थिंग ठीक है अब इससे क्या होगा कि फार्मर जो है बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे ज्यादा फिश को इवन इन लेस लैंड इनफैक्ट इन द लेस वाटर ऑल्सो ठीक है इस सिस्टम में आप ज़्यादा फिश प्रोडक्शन करेंगे ठीक है लेस स्पेस के अंदर और वो जो स्पेस होगा वो होगा इस फॉर्म के अंदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टैंक राइट अब ये जो रेक्टेंगुलर सर्कुलर टैंक है इसका जो कंटामिनेटेड वाटर होगा वो कहाँ जाएगा वो जाएगा एक बायो फिल्टर टैंक के अंदर और ये बायो फिल्टर टैंक जो है उस वाटर को फिल्टर कर देगा एंड उसको फिर से जो है फिश टैंक के अंदर भेज देगा तो इससे क्या है पानी की बचत हुई और अपना जो लैंड है वो भी काफी ज्यादा कम यूज हो रहा है लिमिटेड यूज हो रहा है चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीडिंग स्टेट इन द कंट्री इन द मैटर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर पंप टू प्रोमोट माइक्रो इरीगेशन ठीक है सो so, हरियाणा ने दे हैव टेकन अ लॉर्ड ऑफ इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू प्रोमोट दोलर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है सो so, वो सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन ऑप्शंस के अंदर सो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए फैलाने के लिए सोलर वाटर पंप्स का यूज किया जाएगा उसका इंस्टॉलेशन हो चुका है शुरू अब देखिए हरियाणा जो है वो लीड कर रहा है लीड मतलब एक दो स्टेट्स और भी हैं उन्हीं की कैटेगरी में ये भी आता है जिसने क्या किया है काफी ज्यादा सोलर वाटर पंप्स जो है इंस्टॉल कर दिए हैं माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए और ये जो पंप्स है या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है ये किया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान ठीक है सो so, पीएम कुसुम ठीक है इतना आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान ठीक है अब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू स्टेट टू शिफ्ट दॉट ट्यूब वेल्स दे हैव डायरेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या जो uh, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको बोला गया कि आप जो है धीरे धीरे जितने भी ट्यूब वेल्स हैं इरीगेशन परपजेस के लिए जिनकी जो लेस देन फिफ्टी हॉर्स पावर वाले हैं उनको क्या कर दीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन कर रहे हैं उनको आप रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए और सोलर एनर्जी के बेसिस पे वो सोलर पैनल्स लगाना शुरू कर दीजिए Okay. so government also directed the deputy commissioners to promote micro irrigation, launch a special drive to reach every farm under the state government's Har Khet Pani scheme. Har Khet Pani scheme, and 25,897 solar pumps have also been installed, already been installed in the state in the last seven years, and this year the work of installing 13,800. पंप सेट इज इन प्रोग्रेस ठीक है सो हरियाणा इज द सेकंड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर गुजरात हैज द सोलर एनर्जी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सेवेंटी फाइव परसेंट सब्सिडी प्रधानमंत्री कुसुम जो है उसको भी याद रखिए और गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट वो क्या क्या कर रही है उसको भी दिमाग में रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज जो हरियाणा टीम है दे हैव गॉट 11 मेडल्स इन विच कॉम्पिटिशन इंडिया स्किल ट्वेंटी ट्वेंटी वन नेशनल कॉम्पिटिशन सो जो विनर है इंडिया बिगेस्ट इंडिया स्किल ट्वेंटी ट्वेंटी वन नेशनल कॉम्पिटिशन उनको न्यू डेली में फेसिलिटेट किया गया और यहाँ पे जितने भी विनर्स रहे हैं उसमें से ग्यारह प्लेयर्स जो हैं वो दे आर कमिंग फ्राम हरियाणा स्टेट दे आर कमिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट सो हरियाणा जो है दे आर गोइंग टू रिप्रजेंट एज अ टीम रिप्रेजेंट द कंट्री इन द अपकमिंग वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू बी हेल्ड इन चाइना सो ये भी याद रखिएगा दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन जो है दो हजार बाईस का कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है चाइना के अंदर ये क्वेश्चन जो होते हैं ना ये जनली मैगजीनस पर नहीं मिलते हैं ये न्यूज पेपर्स में देखे मिल जाते हैं और जनली जो है मैगजीन्स ऐसी चीजों को छोड़ देती है और यहाँ से ही आपकी एज बन जाती है कि यहाँ पे ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 बहुत ही कम किसी करंट uh, अफेयर की मैगजीन में कवर होगा मैंने तो नहीं देखा न्यूज़पेपर्स में मिल जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो कवर करते हैं हर एक छोटी छोटी न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं दिस इज़ अ बिग न्यूज़ दिस इज़ अ क्वेश्चन जो है वो आने वाला सवाल बन सकता है ठीक है तो हरियाणा दे हैव गॉट थ्री गोल्ड मेडल्स फोर सिल्वर मेडल्स वन ब्रॉन्ज मेडल एंड थ्री मेडल ऑफ एक्सीलेंस सोनू लाथर जो है हरियाणा के हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ऑटो बॉडी रिपेयर के अंदर अनुराग जो है आर एंड ए सी के अंदर एंड मशीन मनीष जो कुमार है उनका वेल्डिंग कैटेगरी के अंदर ये सब चीज़ है ठीक है एक चीज और भी है कि हरियाणा स्टेट ने स्किल को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी सारे कदम उठाए उसमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है दैट इज द कंट्रीज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी विच वी कॉल इट एज विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो कि है दुधोला पलवल के अंदर ठीक है सो यहाँ पे एम यही है डेवलपिंग द स्किल्स अलोंग द एजुकेशन फॉर द यूथ ऑफ स्टेट ठीक है इन दिस वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग्स आर बीइंग गिवन टू द यूथ ठीक है और यह भी याद रखिए कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉपरेशन जो है वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडिया ये ऑर्गेनाइज करते हैं स्किल कंपटीशन इन स्टेट मतलब कंट्री के अंदर ही कुछ कुछ वेरियस स्किल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हर दो साल के अंदर ठीक है राइट और जहां पे अलग अलग टीम्स जो है अलग अलग स्टेट्स की वो पार्टिसिपेट करती हैं वहां पे उनको अवॉर्ड मिलता है क्लियर हो गया चलिए सो स्कीम टू एनकरेज द यूथ ऑफ हरियाणा हु हैव पास फ्रॉम आई इंस्टीट्यूट टू मूव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखिए हरियाणा के अंदर ना इतना एम्प्लॉयमेंट की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है राइट right? सो so, हमने पहले ही न्यूज के अंदर ये पढ़ लिया कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सेवेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन टू द हरियाणा यूथ टू गेट द जॉब राइट इन द प्राइवेट सेक्टर इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ये भी एम्फोसाइज काफी कोशिश कर रही है कि आपको जो है ऐसा uh, भी नहीं है कि क्वालिफिकेशन कर लिया आपने कुछ सर्टिफिकेशन कर लिया ट्रेनिंग ले ली उसके बाद आप जो है जॉब की तलाश में जाए यू कैन बी ए जॉब जनरेटर ऑल्सो बट वो पॉसिबल तभी होगा जब आप अपना खुद जो है बिजनेस शुरू करेंगे कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे एंड इसके लिए वी आर ऑल हैप्पी टू हेल्प यू आउट राइट वो ये मानते हैं ताकि आप जॉब जनरेटर बने ना कि जॉब सीकर बने उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट दैट हरियाणा स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री जो है दे हैव इन्फॉर्म द गवर्नमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड टू फैसिलिटेट यूथ ठीक है ये थोड़ा सा इंकरेजिंग है यूथ के लिए भी जो रीसेंट पास्ट में आंट्रप्रनोर्स बने जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था कैसे जब वो आईटीआई आई टी आई से पास आ, पास आउट हुए चाहे वो गवर्नमेंट के आई, आई है या फिर वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है ठीक है तो यहाँ से पास आउट होने के बाद दे डिसाइडेड टू तो स्टार्ट देयर ओन वेंचर और वहाँ से कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट भी बन रहा है और उन्हीं को ही थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए आ,

अपना एंट्रप्रनोरशिप का कुछ ना कुछ शुरू करना पड़ेगा ठीक है और दूसरी बात यह है कि आपका जो बिजनेस होना चाहिए कहीं पर भी हो सकता है चाहे वो हरियाणा है या फिर चंडीगढ़ है ठीक है और वो जो बिजनेस है दैट शुड बी विद इन टू इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द आईटीआई ठीक है अब तीसरी बात यहां पर यह है कि मंथली इनकम जो होनी चाहिए मोर देन वन ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड शुड बी मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड कंटिन्यूअसली ठीक है कि हर साल जो है हर महीने आपकी बीस साल कम से कम होनी ही चाहिए एक साल तक तो होनी चाहिए इसके अलावा आपका कोई एसेंट्रल बिजनेस नहीं होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल uh, किसी ने को, अपना कोर्स किया और अपने फादर के बिजनेस के अंदर ही आ गया वो तो वो नहीं होगा ठीक है वो कैटेगरी से आउट हो जाएगा सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू एड्रेस द अनएम्प्लायमेंट इश्यूज इन द स्टेट एंड बट इट शुड बी फॉर द शॉर्ट टर्म मेजर्स लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट मोर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही आई होप यू लाइक दिस सेशन एक बार जो भी डाउट प्रॉब्लम होगी क्वेरी है यू कैन कॉमन डाउन बिलो एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू थैंक यू थैंक यू